मैं हूँ अभी बुर्ज अल अरब में दुबई का। दुनिया का सबसे बड़ा 7-स्टार होटल है ये, और मैं घूमते घूमते आया यहाँ पे और मैंने सोचा कि एक लोग आपके लिए भी बना दूँ, और लास्ट मिनट में मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए बनाता चलूँ। और दुनिया का लगभग होटलों में से एक है बुर्ज अल अरब, और मैं यहीं पे आया हूँ क्योंकि इसके बाद मैं अंदर नहीं जा सकता। वो अंदर वही जा सकते हैं जिनका इसमें कुकिंग होता है, और बाकी टूरिस्ट के लिए यहीं तक ये सीमित रहता है। यहीं तक आप रह सकते हैं, यहीं पे आप ब्लॉग या जो भी करना है यहीं तक आप सीमित रहिए, यहाँ तक बनाइए। मैंने सोचा कि यहाँ आपके लिए कवर करता चलूँ, और बहुत अच्छा यहाँ से व्यू आता है। बहुत अच्छा मतलब लोकेशन है दुबई का, सबसे महंगे जगहों में से एक है, और यहाँ पे ये 7-स्टार होटल है। यहाँ पे अपने जब भी मैच होता है तो इंडियन क्रिकेट टीम के लोग, क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार, बॉलीवुड वाले, हॉलीवुड वाले, यही लोग यहाँ पे आते हैं। मैंने कोशिश किया कि इसको आपके लिए एक ब्लॉग बनाता चलूँ, और लास्ट मिनट में मेरे यहाँ शाम की फ्लाइट थी, फिर भी मैंने इसको कवर करने का कोशिश किया, और इन्होंने भैया ने मुझे यहाँ कवर कराया, बताया कि चलो देखना है तो थोड़ा सा देख के निकलते चलना। वो देख रहे हैं वाइल्ड वादी करके एक वाटर पार्क है, वो काफ़ी अमेजिंग है। यहाँ का व्यू भी काफ़ी अमेजिंग होता है, लेकिन मैं, मेरे पास टाइम नहीं है उतना, मुझे आज इंडिया निकलना है, इस वजह से मैं लास्ट मिनट में इसको शूट करने का कोशिश किया। और मैं अब निकल रहा हूँ यहाँ से, अब एंजॉय सी यू। यही यहाँ का काफ़ी अमेजिंग व्यू आता है, काफ़ी सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मैं हूँ अभी दुबई के जुमेरा बीच पे, जो कि बुर्ज अल अरब 7-स्टार होटल मेरे पीछे वो दिख रहा है, उसके आगे बीच है, वहीं पे हम लोग शाम का एंजॉय कर रहे हैं। और ये बिल्कुल अल जुमेरा जो होटल है उसके पीछे ये बीच है, जो कि बिल्कुल ओपन बीच है, ओपन जुमेरा इसको बोलते हैं दुबई में। और यहाँ पे लोग अपना एंजॉय करें, समुद्र के किनारे आराम से बैठ के शाम का मजा ले रहे हैं। और इसके पीछे आप देखिए कितना अच्छा व्यू शाम का आ रहा है, सनसेट हो रहा है, इसका व्यू आपको बिल्कुल ब्यूटीफुल दिखेगा। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मिला तो हम लोग सोचे कि सनसेट का व्यू थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल ये देखिए सनसेट हो रहा है, यहाँ का बीच का व्यू आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और मैं अपने ब्लॉग में कोशिश करता हूँ कि हर जगह पे जाके बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से मैं आपके लिए शूट करूं और आपको मैं ये सब कुछ दिखा पाऊं। काफ़ी ब्यूटीफुल बीच है ये दुबई का। मैंने कोशिश किया है कि इसको पता चल, मैंने कभी भी अभी तक अपने YouTube चैनल पे कभी भी बीच का वीडियो अभी तक नहीं अपलोड किया था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए अपलोड करता चलूँ। और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो देख सकते हैं, काफ़ी क्राउड है यहाँ पे, उधर देखिए वाटर एक्टिविटी कर रहे हैं, वाटर एक्टिविटी वहाँ पे लोग कर रहे हैं, नहा रहे हैं, ओपन बीच है ये, और समुद्र की लहरें आपको दिखाई दे रही है, सब पानी ही पानी है वहाँ पे। आपको यहाँ पे आने के बाद आपको वाटर एक्टिविटी करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप स्की राइडिंग भी कर सकते हैं, है वो भी कर सकते हैं, स्कीटिंग बोलते हैं वो भी कर सकते हैं। अभी समुद्र में आपको दिख रहा होगा, आप काफ़ी लोग वहाँ पे गए हैं स्की राइडिंग करने, वो वाली जो होटल है वो अरब है, 7-स्टार होटल है, उसके बगल में ये चीज लगती है। तो मैंने सोचा इसको कवर करता चलूँ, बहुत खूबसूरत बीच है।
और रिक्वेस्ट रहेगा मेरा आप लोगों से कि चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी कीजिए। और भाई साहब एक चीज और देखने को मिला, वो भाई साहब समुद्र ये थोड़ा सा मतलब आगे जाके बनाया है और वहीं पे इन्होंने बालू डाल के घर बना दिया है। और ये जो भैया बता रहे हैं कि ये जो बीच था वो काफ़ी पीछे था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि बीच को मतलब बीच को आगे की ओर लेते गए और आगे की ओर विला बनाते गए और विला बना बना के इन्होंने काफ़ी करोड़ों रुपए में अपना बिजनेस किया है। और वो मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो वाला होटल, वो होटल एकदम शिप के टाइप पे बनाया है, 7 स्टार होटल बन रहा है और वो जस्ट आपको जो समुद्र में शिप दिखती है वैसा बिल्कुल बनाया है, क्रूज टाइप की होटल। और ये बगल में आपको बुर्ज अल अरब होटल दिखेगा, काफ़ी अमेजिंग व्यू है दुबई का भाई। बीच घूमने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा बगल में ही है मरीना बीच, राम जो मेरा राम स्टेशन है वहीं से मैं मेट्रो लेके मरीना बीच की ओर जा रहा हूँ। और मैं अभी ट्राम का वेट कर रहा हूँ, भागते भागते आया लेकिन ट्राम जो था वो छूट गया और दूसरा ट्राम का मैं वेट कर रहा हूँ। देखो एक ट्राम जो मेरे पीछे है वो देखिए निकल गई। यहाँ पे सड़कों पे आपको ट्राम भी मिल जाएंगे, मेट्रो भी मिल जाएगी, यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस काफ़ी बेटर है। एक ट्राम निकल गई और मुझे जाना है उस साइड, तो उस साइड जाने के लिए एक नई वाली ट्राम आएगी, दूसरी वाली मैं उसको पकड़ूंगा। और मैं हूँ अभी राम जुमेरा ट्राम स्टेशन पे और इसके बाद मैं पहुँचूँगा मरीना बीच। मरीना बीच पर कुछ वीडियो शूट करूँगा और शूट करने के बाद फिर दोबारा आपसे मिलता हूँ। यहाँ का ट्राम का भी सर्विस काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैंने इसको यूज किया है। मैं हूँ अभी दुबई के मरीना एरिया में, सबसे दुबई के सबसे पॉश एरिया में से एक एरिया है ये। और यहाँ पे आप लगभग हर हॉलीवुड में हर बिल्डिंग बड़ा वाला ये वाला बिल्डिंग हॉलीवुड मूवी में दिखाई जाती है। इसको ट्विस्ट कौन सा टावर कहते हैं भैया? ट्विस्टेड टावर कहते हैं। और हर मूवी में हॉलीवुड के बहुत सारे मूवी में यहाँ पे हमेशा शूट होते रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइवेट याच इसको बोलते हैं, यहाँ पे रिचेस्ट पर्सन है उनका सब अपना अपना याच लगा रहता है, इससे वो समुद्र में जाके अपना प्राइवेट पार्टी करते रहते हैं। और जिसको अपना अफोर्डेबिलिटी है, जितना आपको तब क्षमता है तो आप अपने अनुसार भी या बुक करके भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा प्राइवेट याच के लिए? 30,000 5 घंटे। और इसके अगर आप 5 घंटे के लिए इस याच को बुक करते हैं प्राइवेट याच को पार्टी करने के लिए समुद्र में, तो आपको 30,000 Indian rupees पे करना पड़ेगा। और वो अपने अनुसार टाइमिंग देते हैं, 2 घंटे 3 घंटे जैसा उनका मूड हुआ वैसा होता है। हर जगह हर याच के लिए अलग अलग रेट तय किया गया है। और ये जो मरीना एरिया है ये सबसे पॉश इलाकों में से एक है। और ये जो टावर है ना भाई, इसी टावर को देखने के लिए लोग हमेशा आते हैं। ये देखो ये वाला टावर देखो। और काफ़ी खूबसूरत एरिया है, बहुत ब्यूटीफुल एरिया है। और पीछे यहाँ
ये पीछे देखो याच है, ये है सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और पीछे देखो लोग वॉकिंग, ये स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हैं। दुबई का ये नाइट लाइफ एरिया भी है, यहाँ पे रात में लोग सड़कों पे घूमते रहते हैं, यहाँ पे पार्टी करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे नाइट लाइफ दुबई का एंजॉय करते रहते हैं। और यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए हर अच्छे अच्छे फूड वाले ब्रांड जो है वो आपको मेरे पीछे दिख जाएंगे। यहाँ पे आप लंच डिनर जो भी करना है आप कर सकते हैं। बस मनी टॉक्स, पैसा बोलता है भाई, जो भी करना है आप यहाँ कर सकते हैं। काफ़ी हैपनिंग इलाका है ये दुबई का मरीना एरिया, और जिसको मैंने सोचा लास्ट मिनट तक कवर कर ही देता हूँ। देखिए मेरे पीछे भाई साहब फोटो शूट कर रहे हैं। और फॉरेनर की तो संख्या भाई काफ़ी है, दूसरे लोग से दुबई घूमने आते हैं। यहाँ तो आपको उतना पेड़ पौधा नहीं मिलेगा, लेकिन स्काई स्कीपर्स बिल्डिंग जो है वो आपको काफ़ी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। देखिए मेरे पीछे आप कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, और वहाँ पे एक देखिए तो मेरे पीछे वो दो टावर के जो बीच में देखिएगा, यहाँ पे वो वाला जो दिख रहा है ना, वो वाला एन दुबई है। यहाँ पे गोल चक्कर झूला है, बहुत यहाँ का फेमस झूला है, यहाँ पे लोग आके झूले पकड़ते हैं। इंडिया साइड में वो बड़ा वाला गोल वाला रहता है ना, वो ऐसा ही रहे। और बाकी दुबई हैपनिंग एरिया इसको देख के दुबई का सफर मेरा यही बेस समाप्त हुआ, और मैं डिवर्ट कर गया हूँ इंडिया के लिए, और मैं निकल गया हूँ अब अपने फ्लाइट की ओर। रात में 12:05 पे मेरी फ्लाइट है एयर इंडिया की, और मैं डिपार्ट कर गया हूँ दुबई एयरपोर्ट से।